यहाँ पे भी दर्द दे सकता है, यहाँ पे भी दर्द देगा, पर घबराना नहीं आप लोगों को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संजना। मैं आप लोगों को आज सिखाने वाली हूँ साइड स्ट्रेचिंग। साइड स्ट्रेचिंग खोलने का निम्नलिखित एक्सरसाइजेस है, जिसमें से मैं आप लोगों को कुछ एक्सरसाइजेस इस वीडियो के माध्यम से सिखाने वाली हूँ। साइड स्ट्रेचिंग कैसे किया जाता है उसको हम करके अभी दिखाने वाले हैं। तो साइड स्ट्रेचिंग इस प्रकार से किया जाता है, एंड डाउन, लेग चेंज। आप लोगों से डायरेक्ट नहीं हो पाएगा, इसके लिए हम आप लोगों को बेसिक एक्सरसाइज बताने वाले हैं। राइट लेग इस प्रकार से उठाना है, उसके बाद दोनों हाथों से पुश करना है, लेग चेंज करना है, इसके बाद इस प्रकार से करेंगे, उसके बाद साइड करना है, लेग चेंज, इसके बाद इन टू आउट करना है, कंटिन्यू। आप इसको 20 टाइम कर सकते हैं। आप चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हाफ स्ट्रेचिंग करना है, इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा पुश करते रहेंगे। अब करेंगे लेग चेंज। इस एक्सरसाइज को लगातार 20 बार करना है, इसके बाद बटरफ्लाई करना है, 2 से 3 मिनट तक कंटिन्यू बटरफ्लाई करते रहेंगे। इसका दूसरा नाम तितली आसन है। नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अप हो जाएंगे, थोड़ा सा पैर फैला के राइट लेग हेड को नी में टच करेंगे, चेंज, आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज इस प्रकार से पुश करेंगे, एंड चेंज, पुश करेंगे, 1 2 3 4 5, चेंज, बैक किक, 1 2 3 4 5, चेंज, दूसरा लेग से भी 1 2 3 4 5। एक बार फिर से बटरफ्लाई करना है, हाथ से प्रेस करेंगे इस प्रकार से। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, साइड स्ट्रेचिंग खोलने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ से अब राइट लेग आगे, धीरे धीरे यहाँ से डाउन होंगे, एंड पुश करते रहेंगे। थोड़ा दर्द हुआ पर दर्द को सहन करते हुए अपने लेग को पीछे की ओर ले जाएंगे, इस प्रकार से करते रहेंगे। थोड़ा बहुत दर्द होगा पर घबराना नहीं है, हिम्मत नहीं हारना है, कोशिश करते रहेंगे, इस प्रकार से आपका साइड स्ट्रेचिंग खुल जाएगा। एंड डाउन, एंड लेग चेंज, इसमें भी थोड़ा थोड़ा पुश करते रहेंगे, इस प्रकार से करते रहेंगे, इसमें भी दर्द होगा पर घबराना नहीं है गाइस, कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहेंगे, करते 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 स्ट्रेचिंग खुल जाएगा। एंड डाउन, इसके बाद फिर से बटरफ्लाई करना है, तो बटरफ्लाई की ओर चलते हैं। एक्सरसाइज करने से हो सकता है कि आप लोग को दर्द भी दे सकता है, तो घबराना नहीं गाइस, शायद यहाँ पे भी दर्द दे सकता है, इस जगह से भी दर्द दे सकता है, यहाँ पे भी दर्द देगा, पर घबराना नहीं आप लोगों को, कंटिन्यू लगातार प्रैक्टिस करते रहना है। बटरफ्लाई करने के बाद एक बार फिर से साइड स्ट्रेचिंग खोलने का कोशिश करेंगे, धीरे धीरे अपने लेग को पीछे की ओर, एंड पुश करते 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 दर्द देगा पर इसको बर्दाश्त करते हुए अपने लेग को जाने दीजिएगा पीछे की ओर, उठना नहीं है, एंड खुल जाएगा। एंड डाउन, लेग चेंज, इस प्रकार से इसको भी इसी प्रकार से करना है, धीरे 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 पुश करते करते खुल जाएगा इस प्रकार से। एंड डाउन, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। बाय बाय।